नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि आखिरकार निरंजनी अखाड़े की पागंबरी गद्दी के महंत का चुनाव हो गया और इस गद्दी को संभालने जा रहे हैं महंत बलवीर गिरी, जिनको लेकर के लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई थी वो मामला सामने था, जांच के दायरे में मामला, लेकिन अपनी आखिरी वसीयत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बलवीर गिरी ही इस गद्दी को संभाले, उस मठ का ध्यान रखें। अब ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आज इसकी ताजपोशी एक तरीके से हुई। मठ में जो कार्यक्रम हुआ वहां पर आज षोडशी का भोज था, यानी कि 16वें दिन जो महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद आज जो कार्यक्रम था उसमें भंडारा हुआ और इसके साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन साफ तौर पर महंत की प्रक्रिया को पूरा करते हुए चादर विधि के जरिए आज महत्वपूर्ण तरीके से प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत बलवीर गिरी को ये उपाधि दी गई और उनको ये गद्दी संभालने के लिए तमाम संतों ने आज दे दी है। इसके साथ ही साथ लिटे हनुमान मंदिर की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और इसके साथ ही मठ को लेकर के जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों विवाद भी उपजा, आप जहां पर संपत्ति को लेकर के तमाम तरीके के सवाल थे उसको भी आप सुलझाना और उन तमाम विषयों पर अपनी बात रखना, उनका निपटारण करना भी कहीं ना कहीं उनके हाथ में होगा। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो निरंजनी अखाड़ा, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस अखाड़े में बागंबरी गद्दी आपका जो वर्चस्व था वो भी काफी माना जाता है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद में लगातार से कई तरीके के सवाल उठते रहे। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई फिलहाल कर रही है और इसमें जो आरोपी हैं आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके जो पुजारी थे उनके बेटे, उन तीनों को हिरासत में लिया गया है और सीबीआई ने पूछताछ के बाद उनको रिमांड पे लिया था। फिलहाल नैनी जेल में वो हैं, लेकिन इसके बीच बागंबरी मठ की गद्दी को लेकर के आज जिस तरीके से ये गद्दी संभालने की प्रक्रिया हुई, ये जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद यूपी तक से बात करते हुए साफ तौर पर खुद बलवीर गिरी ने कहा कि एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने के लिए वो तैयार है और जिस परंपरा के साथ में महंत नरेंद्र गिरी इस गद्दी को संभालते थे उन्हीं के कदमों पर वो चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मठ में किसी भी तरह का विवाद नहीं है और साथ ही साथ वो इस मठ में लंबे समय से जुड़े रहे तो उनकी जानकारी में है कि यहाँ क्या कुछ होता है। हालांकि उन्होंने इस मौके पर नरेंद्र गिरी को भी याद किया और कहा कि वो एक पिता की तरह है उनके और जो कुछ भी उन्होंने उन्हें सिखाया है उसके कदम पे चलते हुए ही वो आगे चलेंगे। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि मठ में कोई विवाद नहीं है और आनंद गिरी के मामले पर चुप रहे और कहा कि ये मामला चूंकि जांच के दायरे में है इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर साफ कर दी कि मठ में क्या कुछ होता रहा है, क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी उनको है और कहीं ना कहीं अपने गुरु यानी कि महंत नरेंद्र गिरी के नक्शे कदम पर चलते हुए ही वो इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। एक विवाद के बाद लंबे समय से इस समय का इंतजार था, एक आम सहमति बनी और संतों की राय और पंच परमेश्वर जो माने जाते हैं उनकी राय के बाद में कहीं ना कहीं आज आधिकारिक तौर पर गद्दी संभाल ली है महंत बलवीर गिरी ने और बागंबरी गद्दी और निरंजनी अखाड़े में अब महंत की भूमिका में वो होंगे। चुनौतियां भी कई होंगी लेकिन इस बीच उन्होंने ये गद्दी संभाल ली है और अब महंत नरेंद्र गिरी की विरासत को आगे संभालने के लिए वो गद्दी पर बैठ गए हैं। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष खबर को आप देख सकते हैं हमारी विशेष पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।